किसी ने जलती लौ की रोशनी लिख दी तो मैंने उसका अंधकार लिख दिया, और किसी ने लिखा इजारे मोहब्बत, किसी ने लिखा इजारे मोहब्बत तो मैंने इनकार लिख दिया, और किसी ने लिखी प्यारी सी मुस्कान, किसी ने लिखी प्यारी सी मुस्कान तो मैंने बेपरवाह प्यार लिख दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। तो बस मैं हालात से रूबरू कराते हुए चलूंगा आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे है कि एक अगली एक नज्म कह लो या शायरी कह लो कि किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, और किसी को तोड़ा मजहब ने तो किसी को तोड़ा मोहब्बत ने। कि किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, और किसी को तोड़ा मोहब्बत ने तो किसी को मजहब ने, और जब उठाई कलम शायर ने शायर के टूटने के बाद, और जब उठाई कलम शायर ने शायर के टूटने के बाद, तो मोहब्बत भी लिख डाली मजहब के अनुसार। अब एक अगली एक नज्म है कि ना समझ को समझाएं कैसे, ये टाइटल था मेरा, कि ना समझ को समझाएं कैसे, ना समझ को समझाएं कैसे, और जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे उठाएं कैसे। कि ना समझ को समझाएं कैसे, और जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे उठाएं कैसे, और जिंदगी देती है रोज तमाचे इन गालों पे, जिंदगी देती है तमाचे रोज इन गालों पे, अरे अब तो सुधर चुके हैं उसे समझाएं कैसे। अब एक ऐसा है कि अब देखना कि मोहब्बत को कैसे संभाल रखा है, कि बचा के पिछली होली का कुछ गुलाल रखा है, बचा के पिछली होली का कुछ गुलाल रखा है, कुछ इस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को संभाल रखा है। ये तो हो गई मोहब्बत को कैसे संभाला। देखना मोहब्बत कैसी है, कि वो फूल सी है मगर गुलाब नहीं, वो फूल सी है मगर गुलाब नहीं, और वो है रोशन चांद सा फूल मगर उसमें कोई दाग नहीं। और एक देखिए ये कि तुम साजिश बनो मैं शिकार बनता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे इसे सारे आशिक लोग, कि तुम साजिश बनो मैं शिकार बनता हूं, और तुम बनो इस कायनात की खूबसूरती मैं उसका गुलजार बनता हूं। अब ना यार थोड़ा औकात पे भी लिख रहा था मैं, दो चार दिन से वो सुनाता हूँ, मतलब वैसे माइंड मत करिएगा, बट एक कलम है जहाँ चली आती वहां लिख देती है, तो कुछ ऐसी आप सब लोग को पता ही होगा कि हम कुछ भी लिख देते हैं और सुना देते हैं महफिल में। तो ऐसे लिखा था कि मेरे चंद सवाल ही काफी हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, मेरे चंद सवाल ही काफी हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, जिनकी बातें आसमान में और औकात जमीन पर चलती नजर आती है। अरे और दो लाइन देखिए कैसे, कि फलक की बातें करने वालों, फलक की बातें करने वालों जमीन भूलना मत, फलक की बातें करने वालों जमीन भूलना मत, और बेशक उड़ो कितना भी ऊंचा, बेशक उड़ो कितना भी ऊंचा, पर अपनी औकात भूलना मत। और एक बार देखिएगा कि मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, वरना आपसे तू तक का सफर बहुत भयानक होगा। मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, वरना आपसे तू तक का सफर बहुत भयानक होगा, और हो चाहे तू रावण या राम की बातें करने वाला, उठा ली कलम तो औकात से नीचे नहीं रुकने वाला। और एक देखिएगा ऐसे कि कोई मुझ जैसा प्यार कर सके, कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, और कोई तुम्हारी रूह में उतर सके मुझ जैसा तो बताना, कि कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, और कोई रूह में उतर सके मुझ जैसा तो बताना, और मेरा सीने से लगाकर रखना तुम्हें पिंजरा लगा है, मेरा सीने से लगा कर रखना अगर तुम्हें पिंजरा लगा है, तो मिले कोई ऐसा पिंजरे वाला तो बताना। अब एक ऐसे लास्ट है कि हम जो शायर लोग लिखते हैं आप इससे रिलेट कर पाएंगे, और अच्छा लगे तो यार मैं आपकी तालियां चाहूंगा। ऐसा लिखा है कि जो भी मेरी कलम ने लिखा, जो भी मेरी कलम ने लिखा वो मैंने महफिल में सुना दिया, जो भी मेरी कलम ने लिखा वो मैंने महफिल में सुना दिया, और जो बच गया उसे मिलाया जाम में और गले से नीचे उतार लिया।